तब मैं ये बॉडी को देख रही थी। शराब और भूख के कारण युवक की हुई मौत। परसवाड़ा थाना अंतर्गत परसवाड़ा के विश्राम गृह के समीप एक झोपड़ी में युवक का शव पाए जाने के पश्चात पुलिस ने जांच में लिया, जहां जांच के पश्चात युवक की मौत अधिक शराब और भूख लगने के कारण सामने आया है। आपको बता दें कि यह घटना मुख्यालय परसवाड़ा के विश्राम गृह के समीप ही एक झोपड़ी में गुरुवार की सुबह एक 32 वर्षीय युवक का शव मिलने से समूचे ग्राम में सनसनी फैल गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने परसवाड़ा पुलिस को सूचना दी और सूचना पाते ही परसवाड़ा पुलिस ने युवक की शिनाख्त ग्राम बेकेवाड़ा के निवासी संजय उइके पिता जगनलाल उइके उम्र 32 वर्ष के रूप में की। वहीं परसवाड़ा पुलिस द्वारा पतासाजी कर मृतक के परिजनों को सूचना दी गई, जिसके पश्चात पंचनामा की कार्रवाई हुई और मर्ग कायम कर मामला को जाँच में लिया, जहाँ पोस्टमार्टम के पश्चात युवक का शव परिजनों को सौंप दिया गया। वही जानकारी यह भी आई है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में युवक संजय 30 मई को तकरीबन 11 बजे इलाज कराने के लिए परसवाड़ा अस्पताल पहुंचा था, जो ओपीडी में दर्ज है, जहां पर उसे खून की उल्टी भी हुई। उसकी हालत को देखते हुए तकरीबन 1 बजे चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर किया था, जहाँ परिजनों को उसके साथ जिला अस्पताल जाने के लिए कहा गया था। बताया जा रहा है कि अकेले होने की वजह से वह जिला अस्पताल नहीं पहुंच पाया। संजय की पत्नी ने बताया कि उनके बच्चे की तबीयत खराब होने के कारण से वह साथ में नहीं जा सकी थी। ग्राम भिकेवाड़ा के ग्रामीणों का कहना है कि वह बीते 2 वर्षों से परिवार के साथ अपने ससुराल ग्राम अरंडिया में ही रहता था, वहीं ग्राम भिकेवाड़ा आया आना जाना करता था। फिलहाल संजय के परिजन में पत्नी, 2 बेटियाँ और 1 छोटा बेटा है। वहीं चिकित्सा विभाग का और एक बार मामला सामने आया, जहां चिकित्सकों की माने तो यदि समय रहते युवक को उपचार समय पर मिल जाता तो उसकी जान बच जाती। आपको बता दें कि 1 लाख से ऊपर की आबादी होने के बाद भी तहसील परसवाड़ा में उचित उपचार नहीं हो पाता है। जो भी उपकरण उपलब्ध है उन्हीं उपकरणों के सहायता से यहाँ के चिकित्सक ग्रामीणों का इलाज कर पाते हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के बाद भी अब यहाँ अस्पताल में सभी तरह के टेस्ट नहीं हो पाते हैं। टेस्ट करवाने के लिए भी परसवाड़ा के ग्रामीण जनों को जिले पर निर्भर करना पड़ता है। आधुनिक उपकरण तो कभी दवाई तो कभी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए यहाँ के ग्रामीणों की असमय ही जान जा रही है। वहीं सरकार बेहतर स्वास्थ्य व इलाज की लगातार बात कर रही है। कहाँ के रहने वाली हो? आज ये जो पति की जो डेड बॉडी मिली परसवाड़ा हॉस्पिटल के सामने पे, कैसा क्या मामला? कैसे कब से गायब, कैसे नहीं थे, कब यहाँ से, कैसा क्या मामला बताइए। कब की बात है? 3 तारीख तो याद नहीं है, लेकिन राशन ले जाए ऐसे करके फोन लगा। आपसे अंतिम बार कब मुलाकात हुई थी उनकी? अंतिम बार याद नहीं है। कितने दिन पहले समथिंग? कोई 15 दिन से घर पे नहीं थे। अच्छा, हॉस्पिटल से जब फ़ोन किया था आपको तबीयत ख़राब है करके, तो आप क्यों नहीं गए उनके साथ? तबीयत ख़राब थी, टाइफाइड हो गया, इसलिए मैं सोची हल्का फुल्का होगा इसलिए नहीं जाती, करके नहीं गई। तबीयत ख़राब थी मतलब। परसवाड़ा से नरेंद्र पुष्करनागत के साथ हर्ष पांडे।